यार नाती हो ऐसे पूजा पाले खींच हो गई है अभी सही से लग रहा है तैयार कर थोड़ी सी मेरे साथ मैंने सपने से कहते थे तेरे तो राम रुआ आ सॉरी है ना हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई च्यानल स्मिता. आज हो ह्याप्पी दसैँ सम्पूर्णमा विजया दशमीको शुभकामना. अहिले चाहिँ म नुहाएर आइसकेको छु, हल्का मैले स्किन केयर गरिसकेको छु. अब हामी रेडी हुनेछौँ एन्ड टिका लगाउनेछौँ. सो भिडियोको एन्डसम्म हेर्नुहोला, च्यानलको सब्सक्राइब गर्नुहोला एन्ड हजुरहरू पनि दसैँ मनाइसक्नु भयो होला. सो लेट्स गेट स्टार्ट. सबैभन्दा पहिला चाहिँ मैले मेरो नानीलाई मेरो छोरीलाई यहाँ रेडी गर्न गइराखेको छु. एकदमै एक्साइटेड एक्साइटमेन्ट छिन् छोरी छोरी आज के हो के हो आज दसैँ ह्याप्पी दसैँ. साडी लगाउँदै हुनुहुन्छ, रेडी हुँदै हुनुहुन्छ, हामी सबै रेडी हुन थालिसकेका छौँ. सो सो गाइज म रेडी हुँदै थिएँ, बट साडी ब्लाउज लगाइसकेपछि यहाँ चाहिँ किचनमा अलिकति काम थियो. सबै खानाहरू त बनिसकेको छ, बट यो झिनुवा एन्ड यो यसलाई के भन्छ ढुङ्ग्रालाई फुराउन चाहिँ बाँकी नै थियो. सो म चाहिँ आएर फटाफट गरेँ अनि चामल पनि बनाउन बाँकी थियो. सो मैले बनाएर चाहिँ अब म टिका रेडी गर्दैछु, टिका मुस्दैछु. सो एकदमै रातो के कस्तो राम्रो के यो रङ पनि एन्ड यहाँ पैसा दिनुभएको छ. चाहिँ यहाँ दसैँको टिकाको थाली सजाइराखेको छु. सो कलशलाई पनि सजाउँछु. सो गाइज एकदमै रेडी भइसकेका छौँ हामी सबै टिका लगाउनको लागि सबैजना. एन्ड कलश पनि एकदमै राम्रो छ कि चम्केको छ कि आज. एन्ड जमरा यस्तो राम्रो आएको छ, सबै रेडी भइसक्यो. दिया बाल्नको लागि रेडी गरिसक्नु भएको छ. छोरी हेर्दा पुरा रेडी भएर बसेको छ. हेलो रेडी भइसक्छ, म चाहिँ रेडी हुँदा है. अब त बाबा बोलाए बाबु आरो ह्याप्पी दसैँ ह्याप्पी दसैँ. सो गाइज हामी चाहिँ रेडी भइसकेको छौँ, अब चाहिँ हामी टिका लगाउन जाने. मेरो साडीको यो पल्ला चाहिँ राम्रोसँग भएन, एकदमै राम्रोसँग आउँदैन मलाई बनाउन. सो काम सलामसँगै भयो है, हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्पल मेरो छोरी. सो हामी चाहिँ टिका लगाउन जाने. सो मेरी बेटी सबसे सुंदर है, आराध्या थापा सुंदर है. तो ये जो नोट रखे हैं किस चीज के भूलने का, मेरे को तो नहीं रखे हैं. बात बाबू बैठो जाए. नमस्ते बाबू, ये सब वहाँ रखो. आपको भी लगाना है? नहीं नहीं वो आपके कपड़े में नहीं डाल दू, ये स्टाइल है ना. यहाँ नाती हो ऐसे ऐसे आता. नहीं मैं यहाँ कर रहा हूँ, गिरना नहीं मत देना. अरे रुकना बाबू, टीका लगा ना. हाथ ऐसे करो, ऐसे करो. मैं यहाँ लगाऊंगा, इधर डाल देना ठीक है. और इन दोनों हाथ से Bye.
अच्छा जिंदगी बीते सासू से इज्जत करे प्यार करे माँ बाप की प्यार करे इज्जत करे देना पड़ता है वो देगा दे बैंक में डाल देगा मैं अच्छा दीजिए सकूंगा धन्यवाद मैं जो करने की बात मिल जाएगा ट्यूशन ही पढ़ा लो बच्चों का ट्यूशन ही पढ़ा लो यार अरे ले आया पैसे दे दो पढ़ने में क्या मतलब पास हो बच्चा तीन पाली तीन पाली चलते मस्ते चलते जानी क्या मस्ते जानी घर होता है नहीं होता है इधर है ऐसे हाँ ऐसे ऐसे करके बैठ ऐसे हाँ भाई इन्हें मेरे को देख तलवार मारी तीन बाली का
बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाता है और थोड़ा सा परिवार में क्या बोलते हैं उसको सहयोग करना सीखो, क्योंकि सहयोग करना बहुत जरूरी है। लो भाई लो ले, अरे ले यार थोड़ा सा सहसे बैठ जा, यार तब तो ढूंढो मैं, अरे केला सेब दे दे ले, दो ले, ये होना चाहिए जीवन में, लास्ट ले भाई धन्यवाद, शौचाल जी ना परेशान मत करना, कहना क्या चाहते हो, कैसे तीन क्या करना बताओ, बाबू थोड़ा आगे हो, थोड़ा आगे होता और ऐसे बैठो जैसे मैंने सिखाया था, ऐसे इधर थोड़ी इधर ऐसे मुख अपना मुख 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 बंद करो, बोले मेरी बेटी बहुत माँ बाप से प्यार करे, पढ़ाई करे, चाचू की इज्जत करे, चाचू की इज्जत करे ना बेटा, आओ तो आओ जा रही ना बाहर, भूत आओ और भूती आ गया, मेरी बेटी बहुत प्यार करे, अपने माँ बाप की इज्जत करे, जिंदगी में कुछ अच्छा बनो, बहुत कुछ सर बना बनेगी, नमस्ते करो, बात तो ठीक है, नमस्ते तो कर दे, डॉग दे डॉग डॉग दे, आप आते पैसा 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 देना, जान देना पापा जल्दी नहीं कहाँ गो, ये क्यों सब तो नहीं ला जो आओ कहाँ गो, तो गोई फिर होनी गाते पड़ता है, गोई गोई गलत पता कहाँ गोई बाबे दो लाख सब मावी तो बिल्कुल पता था, बैठ जा मेरा बेटा चक्कर मार के बैठे और आगे आगे बस बस बस, मेरा बेटा इज्जत करेगा चाचू की, करेगा ना, बाबू रोज चॉकलेट ले आना चाचू, बोलना सुबह ढोक दो पैसा देना, ढोक दो ढोक दो पैर में, ढोक दो पैर में, नहीं ढोक नहीं नहीं आज डालनी चाहिए, थोड़ा दीवा तो बोल 500 रुपया सो अब हामी चाहिँ खाना खाना बसेका छौँ, सबै फ्यामिली मिलेर एकदमै टेस्टी इन्जोय गर्दै खाना खाइरहेका छौँ, एकदमै यस्तो टेस्टी भएको के अचार भुटुवा एन्ड मटन त यस्तो टेस्टी दसैँको खाना भएर होला, हाम्रो चाहिँ टिका भयो खाना पनि खाएर अब चाहिँ छतमा आइसकेका छौँ, सो बाहिर चाहिँ एकदमै गर्मी छ कि घाम लागेछ एकदमै गर्मी छ यसपालि चाहिँ, सो अहिले यसपालिको दसैँ पनि गयो एन्ड हाम्रो जति पनि रिलेटिभ्सहरू हुनुहुन्छ सबै नेपाल जानुभएको छ एन्ड जो पनि यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ टिका लाउन नभएको कारणले गर्दाखेरि आउनु भएन, सो हामी चाहिँ फ्यामिलीमा एकदमै रमाइलो भयो हाम्रो दसैँ, सो सबैभन्दा ठुलो कुरा फ्यामिली नै हो है, सो फ्यामिलीमा हामी सबै एकदमै राम्रोसँग दसैँ मनायौँ त्यही हो, सो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ, भिडियोको लाइक सेयर कमेन्ट गर्नुहोला, च्यानलको सब्सक्राइब गर्नुहोला एन्ड मैले आजको भिडियो चाहिँ यो ब्लग चाहिँ मैले यहीँ एन्ड गर्छु, बाई बाई टेक केयर।